दोस्तों वेलकम करते हैं जी आपको अपने चैनल सामा व्लॉग्स में जी दोस्तों आज हमारे साथ हमारे खालू हैं आए हुए हैं इधर हमारे गांव में तो इधर हम गांव की सैर करने के लिए आए हुए हैं इनको खेतों की तरफ लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसको पंजाबी में कहते हैं जी बोर्ड अभी आपको दिखाते हैं ये एक मतलब कि दरख्त है ये जी ये एक दरख्त है सही हो गया ये ले कितना बड़ा है और इधर नाम बचपन में करते जे थे कि इधर आके ना यहाँ से झूले लेते थे <laughs> इधर से इनको पकड़ के ना यहाँ से झूले लेते थे उस वक़्त पानी भी बहुत ज्यादा होता था तो उसकी मैं एक बात बताता हूँ हमारा दोस्त है एक हमारे साथ आता था नाम उसका नहीं बताना तो एक दिन उसने झूला लिया न इधर से वो ऊपर से ये टूट गई है ये जो झूले वाली नहीं बनी हुई मतलब कि इसको बोलते हैं शाख शाख तो ये टूट गई ना नीचे थी जब वो जाके लगा पत्थर पर और उसका बाजू टूट गया था फिर उसके बाद हमने इधर आके झूले नहीं लिए बाकी मजीद आगे चलते हैं और आपको गांव की सैर कराते हैं सही हो गया हाजिंद्रा ठीक है, सब ना। है सही चुका दोस्तों एक और आपको चीज दिखाते हैं इधर यहाँ पे दो बैठे हुए हैं, परिंदे जो है आपस में आई थिंक नाराज अभी आपको चेक कराते हैं ओ उड़ी गया एक दोनों उड़ गए वो देखें जी एक तो बैठ गया फिर मैंने सोचा था कि आपको नज़दीक से दिखाएंगे आके फिर बैठ गए हैं वो देख लें अभी मैं नजदीक गया तो आई थिंक ओह दोनों उड़ गए हैं फिर तो हाँ सही हो गया आपने देख लिए होंगे तो ये नीचे डैम है इसमें मच्छी डली हुई है और ये जी हमारे दोस्त का डेरा सा बना हुआ है छोटा सा उन्होंने डैम बनाया हुआ है मच्छी डाल डाली हुई है इसमें और एक कमरा सा बनाया हुआ है और इधर नलका भी लगा हुआ है पानी पीने के लिए और एक बहुत अच्छी चीज आपको दिखानी है ये देखें जी जहाँ नमाज भी बनी हुई है नमाज पढ़ने के लिए माशाल्लाह और जो आपको मैंने पीछे दरखत नहीं दिखाया था इसी ब्लॉक में तो वही दरख्त इन्होंने लगाया है ताकि यहाँ पे भी बहुत बड़ा सा दरख्त बन जाएगा इसको टाइम तो लगेगा काफ़ी बहुत ज़्यादा और ये देखें जी इसको बकायदा किस तरह लगाया हुआ है कि मतलब कि चौरस इन्होंने ब्लॉक लगाए हुए हैं फिर मट्टी ताकि ये एक प्रॉपर और चारों तरफ जो है कांटे भी लगाए हुए हैं ताकि कोई जानवर वगैरह इसको छू ना सके ये देखें जी मछली का चारा है तो ये रोजाना आते हैं तो थोड़ा सा डाल के जाते हैं फिर मच्छी खाती है सही हो गया ये मच्छी की खुराक है और अभी देख सकते हैं दरख्तों में क्या आलुआ हुआ है एक रुत जी

आठ तरफ जिला सब्जा सब्जा उर्दू बच बारा दिन ना उस पंजाबी पंजाबी अच्छा अच्छा सही हो गया ये देख जी और कितनी खूबसूरत जगह है आपको चेक कराते हैं अभी जब भी बारिश हुई ना तो मैं आपको एक दिन यहाँ पे लेके आऊंगा ब्लॉग बनाएंगे साथ क्यूँके यहाँ पे बहुत सीन होता है इधर ये आप देख सकते हैं अभी तो पानी बस नॉर्मल से बह रहा है ना। जब होती है बहुत ज्यादा ना इधर से पानी आता है इतनी स्पीड से आता है कि वो जो परला हिस्सा है ना वहां पे जाके लगता है पानी तो ये देख लें जी डैम से पानी की निकासी है नीचे फिर आगे इधर से जाता है और आगे मजीद डैम ही डैम है ये देखें जी गंदम और इसकी हालत चेक करें इतनी बारिश हुई है पिछले दिनों अभी भी इसकी ये हाल है अभी पूछते हैं इनसे डसो जी क्यों नहीं निकली सही और तकणों की जुड़ी है तो ना उसे टक्कर आई है इस कणकए दाई है जमीन में जो इस दे खुराको नहीं पे ही। खाद थी। थी। खाद नहीं पेई वो नहीं हुई सही टाइम है टाइम तो भाई नहीं हुई भी इसमें चीज़ नहीं मिली इसकी आपकी खुराक मिला ये देशी। सही होगा खुराक ही ना मिला चीज बंदे कोई रोटी ना तो पलना की है दोस्तों यही रहा हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप देख सकें और देखने कितना प्यारा व्यू है तो अल्लाह हाफज